नमस्कार, आप देख अनुदेशक न्यूज। वायरल पोस्ट का पूरा सच अंतर। अनुदेशक प्रकरण। कार्यरत अनुदेशक 27,546 जूनियर हाई स्कूलों में वर्ष 2013 में आरटीई एक्ट 2009 अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न विषयों जैसे कंप्यूटर शिक्षा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि पदों के सापेक्ष अंशकालिक अनुदेशक शिक्षक के रूप में रखे गए। अंशकालिक शिक्षक एक पद है, जैसे सहायक अध्यापक। बड़े दुख के साथ बताना चाहेंगे कि अनुदेशकों को मात्र 7,000 रुपये प्रति माह, वो भी 11 माह का मानदेय मिलता है, यानी कि 11 माह पर रखा गया एवं प्रत्येक वर्ष इनका कार्य एवं इनका व्यवहार के आधार पर नवीनीकरण किया जाता है, यानी रिन्यूअल होता है इनका हर वर्ष। वर्तमान में करीब 29,000 अनुदेशक शिक्षक कार्यरत हैं, जिनको महज 7,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है एवं इनसे पिछले 7 वर्षों से विद्यालय का पूर्ण काम लिया जाता रहा है। ये सहायक अध्यापक के बराबर कार्य करते हैं, यहाँ तक कि संविदा के नाम पर अधिकारियों द्वारा तरह तरह का शोषण इनके साथ किया जाता है, जो कि शिक्षा विभाग में बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। जबकि पूरे आरटीई एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अनुदेशकों के पदों को संविदा पर रखा जाए, क्योंकि ये अनिवार्य विषयों के सापेक्ष नियुक्त हैं। अनुदेशकों की योग्यता की बात करें तो एनसीटीई ने जो योग्यता तय की थी, उसके सापेक्ष अनुदेशक पूर्ण योग्यता रखते हैं। इसके बाद भी किसी प्रकार सरकार ने कोई भी सकारात्मक पहल नहीं दिखाई। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली पैव बोर्ड को अनुदेशकों का प्रस्ताव 17,000 रुपये प्रति माह करने का वादा किया और भेजा गया, जो कि आरटीई एक्ट के पैरा 7 के पास हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार को बजट भेज दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बजट भी भेज दिया गया। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों से अपने ही फैसले को संशोधित कर 17,000 की जगह 9,800 रुपये देने का निर्णय ले लिया गया, जिसे अनुदेशकों द्वारा न्यायालय में चैलेंज किया गया और लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा 3 जुलाई 2019 को 9,800 रुपये प्रतिमा मानदेय के निर्णय को रद्द करते हुए 17,000 प्रतिमा देने का निर्णय दिया एवं सरकार के इस कृत्य को शोषण मानते हुए 9% ब्याज का दंड लगाया। इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। जब अनुदेशकों द्वारा सिंगल बेंच के आदेश का पालन ना होने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया तो सरकार अपील में चली गई। इसके बाद अपील में सुनवाई पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों का सच जो सरकार में बैठे मंत्री से लेकर अधिकारी तक छिपाते आए हैं। अनुदेशकों की नियुक्ति राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत हुई, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा केंद्र योजना बताते हुए आई है। इसका प्रमाण भी देखिए साथियों, इसमें खा पॉइंट है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। पॉइंट नंबर 1 विज्ञान और गणित, पॉइंट नंबर 2 सामाजिक अध्ययन, पॉइंट नंबर 3 भाषा। अब प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक, जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक। आ कला शिक्षा। इसके बाद अगला पॉइंट है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इसके बाद है कार्य शिक्षा। उक्त प्रमाण से स्पष्ट है कि अनुदेशकों की नियुक्ति आरटीई एक्ट 2009 के तहत हुई है, ना कि किसी योजना के तहत। विशेष बात, उक्त गजट में अनुदेशकों की नियुक्ति संविदा पर होगी, ये कहीं नहीं लिखा है। साथियों कह सकते हैं ये किसी भी सरकार के रहमो करम पर नियुक्ति नहीं हुई है।
वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निदेशकों का मानदेय भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैब को भेजा गया, जो कि भारत सरकार ने स्वीकृत किया। उत्तर प्रदेश सरकार को बजट भेज दिया, जिसका प्रमाण पत्र ये संलग्न है साथियों। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसका बजट भी भेज दिया गया था, लेकिन आज तक वो बजट इन अनुदेशकों को प्राप्त नहीं हो सका, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है। इसी गजट में आगे बढ़ाते हुए अगला पॉइंट है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के लिए उन विद्यालयों में जहां छात्र नामांकन 100 से अधिक हो निम्न प्राविधान किया गया है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 19 एवं 25 में वह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम से कम प्रति कक्षा एक अध्यापक इस प्रकार रखा जाएगा कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय एवं भाषा के अध्यापन हेतु कम से कम एक अध्यापक उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त जहां पर छात्र संख्या 100 से अधिक हो उन विद्यालयों हेतु एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं 3 अंशकालिक अनुदेशक कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य अनुभव शिक्षा हेतु रखे जाने का प्राविधान किया गया है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 कालांश अध्यापन तैयारी के घंटों सहित के प्राविधान किए गए हैं, जबकि अंशकालिक अनुदेशकों के चयन संबंधी शासनादेश संख्या 33/71 दिनांक 31/1/2013 एवं 25/12/2014 में अंशकालिक अनुदेशक हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम 24 कालांश अध्यापन का प्राविधान किया गया है। साथियों, आपने देखा 24 कालांश अध्यापन। आगे है, उक्त से स्पष्ट है कि अंशकालिक अनुदेशक अध्यापक हेतु निर्धारित कालांश से कम कालांश 24 न्यूनतम हेतु अध्यापन शिक्षण कार्य करने के लिए तैनात किए गए हैं। शासनादेश में एक और व्यवस्था की गई है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों से विद्यालय शिक्षण कार्य में सहयोग ले सकते हैं। अंशकालिक अनुदेशक के मानदेय निर्धारण वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में अंशकालिक अनुदेशकों के अनुमोदित एवं स्वीकृत मानदेय में भारत सरकार और राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60:40 है। अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती उपयोग शासनादेश के कम से नियत मानदेय 7,000 रुपये प्रतिमा पर की जाती है। अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा मानदेय वृद्धि हेतु लगातार अनुरोध किया जा रहा है। तत्क्रम में सर्व शिक्षा अधिनियम की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2016-17 में अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय ₹15,000 किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, किंतु भारत सरकार द्वारा 8,470 प्रतिमा मानदेय स्वीकृत किया गया है, जो वर्तमान में अंशकालिक अनुदेशकों का को प्रदान किया जा रहा है। पुनः वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017-18 में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय ₹17,000 प्रतिमा दी जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार उपयुक्त से स्पष्ट है कि याची श्री राकेश अंशकालिक अनुदेशक द्वारा मार्च 2016 से ₹15,000 प्रतिमा मानदेय की मांग की गई, जबकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय भारत सरकार द्वारा 2017-18 में ₹17,000 प्रतिमा स्वीकृत किया जा चुका है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 57632 ऑफ 2016 राकेश पटेल बलाम यूनियन ऑफ इंडिया व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 7/12/2016 के अनुपालन में याचिकी
श्री राकेश पटेल अंशकालिक अनुदेश शारी शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा पूर्व माध्यमिक विद्यालय गिरहिया विकास खंड निचलौल जनपद महाराजगंज का प्रत्यावेदन दिनांक 15/12/2016 एवं 6/3/2017 द्वारा निस्तारित किया जाता है। भवदीय राज प्रताप सिंह अपर मुख्य सचिव। ये आदेश 1/6/2017 का ममता श्रीवास्तव। उक्त साक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार का ही है। सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्देशों का 70,000 प्रतिमा स्वीकृत हुआ इस बात को प्रमाणित करता है। बिंदु क्रमांक 3 है, इसमें आप देख सकते हो भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैब, जिसमें अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये प्रतिमाह स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश सरकार को बजट भेज दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इसको, और इसमें साफ साफ लिखा है आर्ट एजुकेशन 17,000 रुपये, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 17,000, वर्क एजुकेशन 17,000 रुपये। ये बजट आ चुका है 180 करोड़ लगभग। बिंदु क्रमांक 4 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदेशकों के साथ एक भद्दा मजाक भी होता आया है, जो कि बेहद शर्मनाक करने वाला है और घिनौना भी है। साथियों आगे हम बताना चाहेंगे, बिंदु क्रमांक 4 है, अनुदेशकों की नियुक्ति 2013 में हुई, तब छठवें वेतन का मान न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रतिमा था। उस समय अनुदेशकों को 7,000 रुपये प्रतिमा दिया गया। इसके पश्चात सपा सरकार में 15,000 का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, जिसमें 1,470 रुपये स्वीकृत हुआ और अनुदेशकों को 8,470 प्रतिमा भुगतान होने लगा। इसके पश्चात 2017-18 में अनुदेशकों के मानदेय का प्रस्ताव 17,000 केंद्र को भेजा गया, जो पूरा 17,000 रुपये प्रतिमा के हिसाब से स्वीकृत होकर बजट भी जारी किया गया, जिसके साक्ष्य ऊपर संलग्न, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने 17,000 को संशोधित कर 9,800 प्रतिमा करने का आदेश दिया, जिसकी घोषणा सदन में श्री अनुपमा जायसवाल जी ने भी की थी, जिसका वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुका हूँ। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस बात पर अनुदेशक लखनऊ उच्च न्यायालय गए, जहां पर सुनवाई के पश्चात 3 जुलाई 2019 को सिंगल बेंच ने 9,800 के आदेश को रद्द करते हुए 17,000 रुपए प्रतिमा 9% ब्याज शोषण दंड स्वरूप मार्च 2017 से ही भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसका प्रमाण भी संलग्न है। मैं बता चुका हूँ, प्रमाण सहित आदेश दिखा चुका हूँ आपको। अब कोर्ट का वो आदेश दिखा रहा हूँ, देखिए सर, यही वो कोर्ट का आदेश है, देखिए इसमें साफ साफ पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि इनका पद संवैधानिक पद है और इनको 17,000 रुपये पर मंथ मानदेय दिया जाएगा, और जो 9% ब्याज के भी देने का आदेश इसमें है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया कि अनुदेशकों को जल्द हम 17,000 रुपये देने जाने जा। उपरोक्त साक्ष्यों के बाद भी आज अनुदेशकों को 9 वर्ष अनवरत कार्य करते हुए सिर्फ 7,000 रुपए के मानदेय पर। यहाँ पर साथियों एक सेल्फ मोटिवेशनल बात बोलना चाहूँगा कि हसरतों को जरा सा खुला छोड़िए, होके उन्मत्त मन को उड़ा छोड़िए, बात कैसी भी हो समय कोई भी अपने मन का नहीं हौसला छोड़िए। हौसले को नहीं छोड़ना है और जीत कर रहना है। नियमितीकरण 17,000 9% ब्याज सहित। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।